ये एक आईवी सोसाइटी है आकृति हब टाउन गार्डनिया में। ये 2 BHK का प्रॉपर्टी है और फर्नीचर के साथ सेल करना है, जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि आपको फ्लैट समझ में आ जाए। कुछ फर्नीचर यहाँ पे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये इसका लिविंग एरिया है और ये इसका डाइनिंग एरिया है। बट फर्नीचर होने के कारण भले थोड़ा कन्फ्यूजन हो, एक बार आके आप प्रैक्टिकल आके देखिए फ्लैट, आपको समझ में आएगा। मैं बालकनी दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें एक बड़ी बालकनी दिया हुआ है 3 से 4 फुट का, ये आप देख के समझ सकते हैं। और सामने ये किड्स प्ले एरिया है बच्चों का, उसका व्यू है, यानी कि गार्डन का व्यू आता है आपको। ये अभी मैं लेके चलता हूँ, आपको अंदर से दिखाता हूँ। सूर्य का स्पेस है ये, जो आप एंटर करते हैं ना फ्लैट से सामने आपको। उसके बाद ये डाइनिंग है और ये इसका लिविंग एरिया है। सामने जो वॉल देख रहे हैं ये इसका टीवी यूनिट का एरिया है, बट फर्नीचर काफ़ी रखा हुआ है। अभी मैं आपको लेकर आया हूँ किचन में। किचन भी एक प्रॉपर दिया हुआ है और किचन के बाहर लगभग 3 फुट का इसका बालकनी है, ये आप देख सकते हैं। दरवाज़ा जाम होने के कारण मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। 3 फुट का बालकनी है जहाँ पे आप वॉशिंग मशीन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और गैस पाइपलाइन भी इसका आ चुका है। फ्लैट ये कुछ दिनों से बंद पड़ा है क्योंकि इन्वेस्टर को रेंट पे देना नहीं था, इन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए रखा था, अभी इनको सेल करने के लिए निकाला है इन्होंने। और आगे ये इसका वाटर टैंक का स्पेस है। प्राइस इसका काफ़ी बढ़िया है, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको आप तक पहुँचे। ये इसका कॉमन वॉशरूम है, और लेके चलता हूँ मैं आपको कॉमन बेडरूम दिखाता हूँ, उसके बाद मैं मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ। कॉमन बेडरूम इन द सेंस इसमें अटैच्ड वॉशरूम नहीं है, बाथरूम टॉयलेट नहीं है, तो इसको कॉमन बेडरूम बोल सकते हैं। सामने वार्डरोब का एक स्पेस बना हुआ है, और एक ये बाहर जो बालकनी का जगह है ना, यहाँ पे आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। आगे तक काफ़ी लोगों ने एक्सटेंड कर लिया है, इस जगह को बेडरूम के अंदर ले लिया है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ से बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया है ना, ऊपर से छोटा दिखाई पड़ रहा है बट यहाँ से व्यू भी काफ़ी अच्छा है। और अभी मैं लेके चलता हूँ आपको मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ किस टाइप का है। क्या ये इसका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में एंट्री करते ही सबसे पहले आपको राइट हैंड साइड पे एक वार्डरोब का स्पेस मिल जाता है, कबर्ड का स्पेस मिल जाता है। इसके बाद स्ट्रेट आपको टॉयलेट वॉशरूम मिल जाता है, और ये पूरा बेडरूम का स्पेस है। बाहर इसके बाहर भी 4 फुट का बालकनी का स्पेस दिया हुआ है, तो इसको काफ़ी अच्छे तरीके से लोगों ने बनाया है। मैं बताता हूँ अभी विंडो के साइड जाके। ये इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम देख लें। इसके साथ में एक कवर्ड पार्किंग भी है जो इसके साथ में सेल करना है, स्टिल्ट पार्किंग है। और 95 और 1 CR के बीच में इसका प्राइस है। इसमें मेरे पास 4-5 फ्लैट है, 85 में 88 में 90 में 95 लाख में 1 करोड़ में, अलग अलग जिस तरह से फर्नीचर किया हुआ है उस तरह से प्राइजिंग मांग रहे हैं ये लोग। इसमें आप देख सकते हैं ये जो 3 से 4 फुट की बालकनी है, इसमें आप बेडरूम एक्सटेंड करके इसको बड़ा बना सकते हैं, और ये जो वॉल बनाया है इसको फ्रेंच विंडो बना के ये पूरा का पूरा बालकनी आप अंदर ले सकते हैं। काफ़ी लोगों ने ले चुके हैं। और ये इसका वार्डरोब का स्पेस है। अभी मैं अंदर से आपको पूरा 2 BHK फ्लैट दिखा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको पैसेज में लेके चलता हूँ, वो आप देख लें क्या टाइप का पैसेज है इसका। ये इसका पैसेज एरिया है जिसपे एक फ्लोर पे 8 फ्लैट बनाया है इन्होंने, और पैटर्न इसका एक फ्लोर पे 2 हाई स्पीड लिफ्ट दिया है, 8 फ्लैट और 1 स्टेयरकेस इन्होंने दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। प्राइजिंग और कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या है, साइज़ क्या है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा डिटेल पूरा,
वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप फ़ोन करें, हम आपको ख़रीदने में पूरी हेल्प करेंगे दोस्तों।